212 बज गया है और थोड़ी देर में हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं इजदास और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग विलेजर। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैं हूं ऊटी रेलवे स्टेशन के सामने में। ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है ऊटी रेलवे स्टेशन और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं माउंटेन ट्रेन की। दोस्तों जो माउंटेन ट्रेन है वो पहाड़ों पर चलती है, या ऐसा बोल सकते हैं आप उसको कि पहाड़ों पर चलने वाली ट्रेन छोटी लाइन की ट्रेनिंग होती है और लगभग 4-5 डिब्बे होते हैं उसमें। मैं भी इस ट्रेन से जाने वाला हूँ ऊटी टू कुन्नूर, जो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर है और ठीक जो रेलवे स्टेशन के सामने में है। बड़े श्याम से लहराता हमारा प्यारा तिरंगा झंडा। दोस्तों ऊटी जंक्शन को उद्गम मंडल जंक्शन भी कहते हैं। यहाँ ट्रेन की शुरुआत 1908 में हुई थी और चूँकि ये जो पूरा पहाड़ है वो नीलगिरी माउंटेन है और ये जो ट्रेन है वो भी नीलगिरी माउंटेन के ऊपर ही चलती है, इस कारण से उसको नीलगिरी माउंटेन ट्रेन भी कहते हैं। ऊटी जो जंक्शन है वो 3 पटरियों वाला छोटा सा जंक्शन है और बहुत ही ज़बरदस्त सामने में एक छोटा सा ट्रेन का डिब्बा और इधर भी माउंटेन है और इधर भी माउंटेन है। वो आप समझ रहे हो कि हिल स्टेशन में कैसा होता है, सभी तरफ पहाड़ रहते हैं, बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन वैसा टाइप का। यहाँ बड़ी ठंडी सी हवा चल रही है और अभी बजे है 10:30 और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ से जो कुन्नूर है वो 20 किलोमीटर दूर है और इस ट्रेन से हम लोग को 2 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो मतलब ऐसा समझ सकते हो आप कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ ज़्यादा स्लो नहीं है। यहाँ से कुन्नूर के लिए जो ट्रेन है वो सुबह 9:15 से चालू हो जाती है और उसके बाद 2-3 घंटे के गैप में वो चलती रहती है और लास्ट जो यहाँ से ट्रेन है वो लगभग 5:30 कुन्नूर के लिए और वहाँ से शायद 4 है ट्रेन वापस ऊटी के लिए। आपको इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए लगभग जो डिपार्चर टाइम है ट्रेन का उससे 1/2 घंटे पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है। इस ट्रेन में 1st क्लास और 2nd क्लास बस होती है। बात करें फेयर की तो यहाँ से जो कुन्नूर का किराया है 1st क्लास में है वो है 350 रुपया और 2nd क्लास में है 150 रुपया 1 पर्सन के लिए। इस ट्रेन का सफ़र मैं सुबह करने वाला था लेकिन मैं खुद यहाँ 9 पहुँचा हूँ, तो तब तक जो है रिजर्वेशन काउंटर जो है वो बंद हो गया था, तो अभी मुझे 12:15 वाला टिकट मिला है। देख रहे हैं ट्रेन का, अभी बजे है 11:30, लगभग 45 और। दोस्तों 12 बज गया है और थोड़ी देर में हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। ट्रेन नंबर 06।
दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है। पूरे 6 डब्बे हैं इस ट्रेन में, 6 नहीं है 5 है क्या, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ट्रेन आ गई है फाइनली, ये जो आप देख रहे हैं यही है ट्रेन। टोटल 5 डब्बे हैं इस ट्रेन में, बैठते हैं भाई फिलहाल, नहीं तो निकल मत जाए। तो ये है ट्रेन, अभी चलते हैं अंदर। Oh, hi.
से निकलते हुए मैं हूँ ट्रैवलिंग प्लेजर। जितना भी माउंटेन देख रहे हैं वो सब नीलगिरी माउंटेन है। पैसे वसूल ट्रिप। तो दोस्तों, छोटी सी खूबसूरत यात्रा करने के बाद में अभी हम लोग पहुँच गए हैं कुन्नूर। ये जो आप देख रहे हैं वो है कुन्नूर रेलवे स्टेशन। बस एक जो है कमी खल गई कि जो ट्रेन था वो पूरा डोर वोर था वो पूरा बंद था, इस कारण से जो सीन रहता है बैठने का दरवाजे पे वो वाला सीन नहीं हो पाया। और ओवरऑल क्योंकि ये जो गेट है वो बाहर की तरफ खुलता है, इस कारण से अगर अंदर खुलता है तो अंदर खोल के उसको बैठ सकते थे। तो थोड़ी बस ये है, बाकी ओवरऑल सब गुड। बाकी ओवरऑल पूरा गुड है। अगर आप ऊटी आते हो तो बिल्कुल आप इस ट्रेन का सफ़र करो, क्योंकि ओवरऑल जो व्यू है आप जैसे देखे हो वीडियो में, यार मैं क्या बोलूँ, क्या शब्द नहीं है वो, ऐसा समझ लीजिए आप। ये जो ट्रेन सर्कल है ये पूरा जो है सेलम डिवीजन के अंतर्गत आता है। बाकी अगर ये यात्रा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।